दिल्ली का एक लौंडा ट्रैवलिंग देसी पूरी दुनिया में छाया हुआ है, तो उसको एक वीडियो तो डेडिकेट करनी बनती है ना। मैं ट्रैवलिंग देसी, ये वीडियो मैं ट्रैवलिंग देसी को डेडिकेट करते हो रहा हूँ। वन ऑफ द वेरी बेस्ट यूट्यूबर्स इन इंडिया ट्रैवल ब्लॉगर, और आज मैं उसकी तारीफ के लिए बनाऊंगा कि कैसे, मतलब लास्ट मैंने उनकी जो वीडियोज देखी है ट्रूली इंस्पायरिंग कैरेक्टर इज, और जो उन्होंने बताया कि कैसे वो आए, क्या क्या वो किया, तो आज की ये वीडियो केवल उस टॉपिक पे होने वाली है। आज वीडियो देखेंगे एडिटिंग की, कैसे मोहित जी एडिट करते हैं ट्रैवलिंग डेज। तो मुझे आज लगा कि मैं एक वीडियो देखूँगी कि बिल्कुल कि भाई क्या मेरा एक्सपीरियंस है। जब इनकी वीडियोज देखनी स्टार्ट करी शुरू में कि कितनी डिटेल में बंदा जाता है, लंबा बनाता था शुरू में, देखने में अजीब लगा, लेकिन जब फ्लो बन गया तो जो वीडियो देखी वो ऑलमोस्ट पूरी देख डाली, कभी कभी थोड़ी सी स्किप की होगी। एंड गॉट टू नो अबाउट हिम इन द लास्ट फ्यू वीडियोज में इनके बारे में जाना कैसे, और जो इन्होंने स्टोरी लाइन बताई कैसे ये, और कैसे ये ओनली 12th पास है। सो दिस इज़ इंस्पायरिंग, और अब मैं कुछ खास बातें इनकी आपको बताऊंगा कि क्या क्या इनकी वीडियोस में पसंद आता है देखने में। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जस्ट इनिशियली देखा तो बाहर से लगा कि बंदा ये तो नॉर्थ का है, दिल्ली वाला लगा, फिर पता चला बंदा फरीदाबाद का है, और फरीदाबाद का बंदा दुनिया घूम रहा है और मिडिल क्लास बंदा है। समझ में नहीं आया कैसे, खैर इन्होंने बाद में अपना राज खोला, बड़ा मज़ा आया सुन के, तो बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहा है। मैंने कहाँ से इंस्पायर हुआ देखने के लिए ज़्यादा, जब मैंने देखा कि ये कनाडा सीरीज़ बड़ी अच्छी इन्होंने बनाई, कनाडा में मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, तो कनाडा सीरीज़ मैंने इनकी देखी, तो पता चला जी फैमिली वहाँ रहती है, और फिर इनकी क्वालिटीज़ और सामने आई कि ये कितने अच्छे मामा हैं, कितने अच्छे बेटे हैं। सो व्यूअर्स के साथ तो अच्छे हैं, परिवार वालों के साथ भी अच्छे हैं, घूमते घामते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं, खुद नहीं बनाते। अच्छा एक वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो इनकी मैंने देखी, दोस्तों वाली तो नहीं थी, ऑडी वाली, कि बंदा दिल्ली का है, ऑडी में कुछ दिक्कत आ गई है, बाहर घूमता रहता है, ऑडी A6 है, बड़ी महंगी गाड़ी है, तो उसको फिक्स कराने जब ये जाते हैं दिल्ली जुगाड़, और सस्ते में कराते हैं, वो वीडियो इनकी काफ़ी फेमस हुई और बहुत बढ़िया वीडियो लगी मुझे इनकी वो। अच्छा इस बंदे की खूबसूरती देखिए आप, खूबसूरती क्या है, ही इज़ वेरी नेचुरल, वेरी टैलेंटेड एंड येट हम्बल, और सब कुछ सेल्फ टॉट है, हर चीज़ खुद सीखता है, कुछ जानता है, और जब ये वीडियोस में बात कर रहे हैं तो इतना ज्ञान दे देते हैं, और इतने मतलब सिंपलिस्टिक तरीके से वो ज्ञान दे देते हैं जैसे कुछ है ही नहीं, और बहुत ही हम्बल है ये बहुत मुश्किल होता है दिल्ली वाले पंजाब में आपको मिलना, इतना हम्बल बंदा है, इतना कुछ जानता है, दुनिया घूम रहा है, पैसे भी हैं और अपने दम पे कर रहा है सब कुछ, बट हम्बल है। अच्छा ये जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, ये फ़ोन के कैमरा से बना रहा हूँ और फ़ोन से एडिट करूँगा, और एडिटिंग पे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और एक सवाल और है मेरा, बंदा बैंकॉक घूम रहा है, बंदा यूरोप घूम रहा है, एम्स्टरडैम घूम रहा है, बंदा कह रहा मैं सूफी हूँ, ये बड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा आपको, सही में सूफी हो? जी मेरी तो आपके लिए यही दुआ है कि भगवान आपको और तरक्की दे, लॉकडाउन में आपको बहुत तरक्की मिली है, व्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं, और आपको लाइफ के झमेलों से बाहर निकाले, ये जो 30 लाख का माइनस में चल रहा है चैनल, ये पहले न्यूट्रल पे आ जाए, फिर आप और तरक्की करें, प्लस में जाए, थोड़ी स्पॉन्सरशिप्स ले, और आप पे कृपा बरसती रहे। वापस खड़े होने की कला तो कोई आपसे सीखे, बड़ी हिम्मत मिली आपकी वीडियो देख। मम्मी अंदर जो नंदी गाय की कान में बोल के आए, क्योंकि नंदी की मूर्ति में कहते हैं ना, कान में अगर आवाज़ मारो कि हमें